वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपकी पोयम द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ की समरी। तो विक्रम सेठ एक बहुत ही फेमस इंडियन पोएट और नॉवलिस्ट रह चुके हैं एंड उन्हें बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर वो मिल चुके हैं। तो आज जो हम पोएम करेंगे द टेल ऑफ मेलन सिटी, यानी कि मेलन सिटी की जो कहानी है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब मेलन सिटी एक्चुअली में कोई सिटी नहीं है, बल्कि इन्होंने यहाँ पे एक ऐसी सिटी दिखाई है जहाँ पे मोनार्की है। मोनार्की मतलब किंग या क्वीन का रूल होता है, तो यहाँ पे किंग का रूल है। अब ये जो किंग है अपने आप को बहुत जस्ट मानता है, बहुत प्लेसिड मानता है, मतलब वो मानता है कि वो बिल्कुल न्याय करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा और किसी भी इनोसेंट पर्सन को वो कभी भी पनिश नहीं करेगा, और अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो वो अपने आप को बहुत जस्ट मानता है, बहुत प्लेसिड मानता है, और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी ऐसा ही समझते हैं। बट एक्चुअली में इस पोएम में हम देखते हैं ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट होता है। वो एक्चुअली में काफ़ी फुलिश होता है एंड एक तरीके से ये जो पोएम है ये एक सटायर है। तो इससे पहले मैं इसकी समरी शुरू करूँ, इसी की तरह बाकी सारे चैप्टर्स की फुल वीडियोज़ के लिए जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए एक्स्ट्रा क्लास ऐप। तो पोएम शुरू होती है, In the city of which I sing, there was a just and placid king. तो यहाँ पे पोएट शुरू करते हैं बताना कि जिस सिटी की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि जो किंग है बहुत ही जस्ट और बहुत ही ज़्यादा प्लेसिड था। दोनों के मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट कहते हैं वो, The king proclaimed an ark should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. तो किंग ने उस जगह पे या अपने किंगडम में ये ऑर्डर दिया कि यहाँ पे एक आर्क जो है उसको कंस्ट्रक्ट करा जाए। अब इस तरीके की आर्क हो कि जब वो उसके ऊपर आके खड़े हुए तो सारे के सारे जो उनका किंगडम है उनका व्यू उनको मिल जाए, लोग उन्हें देख सकें, वो लोगों को देख सकें और एक तरीके से आके उन्हें ग्रीट कर सकें। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज जैसे बाहुबली देख लो तो वहाँ पे आपने क्या देखा होगा, बड़े बड़े से जो पैलेसेस होते हैं वहाँ पे एक तरीके से आर्क शेप बनी होती है जहाँ पे किंग आते हैं अपनी फैमिली के साथ आते हैं एंड देन लोगों को देखते हैं, जो उनका पीपल हैं वो उन्हें वहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो किंग थे वो भी यही चाहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं, द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। तो जैसे ही किंग ने ये ऑर्डर दिया कि आर्क बनानी है तो वैसे ही जो वर्कमैन है उनको बुलाया गया एंड फटाफट से ये जो आर्क बिल्डिंग का काम था उसको शुरू करवाया गया, बिकॉज ये किंग के ऑर्डर थे एंड किंग के ऑर्डर सबसे ज़्यादा ऊपर थे। तो अब द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। तो अब जैसे ये बन के तैयार हो गई तो किंग चले गए वहाँ पे एंड वहाँ पे जाके लोगों को मिलने की, ग्रीट करने की कोशिश में गए थे वो। अब वहाँ पे क्या हुआ, अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्क वॉज बिल्ट टू लो अ फ्राउन। तो अब जब वो बन के तैयार हो चुकी थी एंड किंग वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि ये बहुत ज़्यादा छोटी है। एंड ये कैसे रियलाइज होता है, क्योंकि उनके सर पे जो क्राउन होता है वो नीचे गिर जाता है उससे टकरा के। एंड अब ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ हुई कि उनका जो क्राउन था वो नीचे गिर गया, तो वो परेशान हो गए, तो अ फ्राउन। नेक्स्ट, अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस। तो उनका जो फेस था उस पर जो कि फ्राउन होता है वो आया एंड उनको लगा कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये तो डिसग्रेस की बात है। एक क्राउन किंग के लिए कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है उसकी, अब वो नीचे गिर जाए वो भी सबके सामने, तो ये तो बहुत डिसग्रेस की बात हो गई। अब नेक्स्ट, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग, द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। अब किंग ने डिसाइड कर लिया, बिकॉज वो जस्ट थे, वो प्लेसिड थे, कुछ गलत हो नहीं सकता था उनके किंगडम में, कि भाई जिसने भी ये बनाया है इस तरीके से, गलत तरीके से बनाया है, तो उस इंसान को पनिश किया जाएगा। तो रोप्स एंड गैलोज जिस तरीके से पनिशमेंट जो है उस अकॉर्डिंगली उन्हें मिलेगी, फांसी की जो पनिशमेंट है वो उन्हें मिलेगी, तभी जो रोप्स हैं उनको अरेंज करा गया। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेट आउट, ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स जो थे जिनको उन्होंने बोला था बनाने को, तो उसको बुलाया गया एंड उसने क्या बोला देखते हैं, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। तो वो कहता है कि देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तो वर्कमैन की गलती है, उन्होंने ऐसा किया, मैंने थोड़ी ना ऐसा किया, मैंने तो उन्हें कहा था लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया वो गलत था।
तो किंग को लगा कि हाँ बात तो सही है, अब मैं इस इंसान को तो पनिशमेंट नहीं दे सकता, ये तो इनोसेंट है। तो किंग ने कहा अच्छा रुको, हॉल्ट मतलब वेट। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट, टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट एंड प्रोसीडियर नाउ ही सेड आई मस्ट। तो किंग कहते हैं कि ठीक है रुक जाओ, एंड अब वो और ज़्यादा जस्ट होने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल जो इंसान डिजर्व करता है इस पनिशमेंट को उसी को पनिशमेंट दूंगा। तो वो कहते हैं आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड। तो वो जैसे ही ये बात बोलते हैं वो कहते हैं कि इसकी गलती नहीं है, वर्कमैन की गलती है, तो जितने भी वर्कमैन ने ये बनाया उन सबको मैं हैंग करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है वर्कमैन भी परेशान हो गए। तो वर्कमैन क्या कहते, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। तो वर्कमैन ने किस पे ब्लेम किया, वर्कमैन ने कहा कि किंग आपको नहीं पता इस बात का, लेकिन ये तो ब्रिक्स जिसने बनाई थी, जो मेसन था जिन्होंने इस ब्रिक्स को बनाया था, उसका साइज ही गलत था, एंड इसी वजह से ये जो आर्क है वो छोटी बनी, एंड आपको जो ग्राउंड है वो नीचे गिर गया। तो हुआ क्या, चीफ ऑफ बिल्डर्स ने वर्कमैन पे ब्लेम किया, अब वर्कमैन ने ब्लेम किया किस पे, मेसन पे। तो अब क्या कहते हैं किंग, समन द मेसन्स सेड द किंग। द मेसन स्टूड देयर क्विवरिंग। तो किंग ने कहा कि ठीक है फटाफट से मेसन्स को बुलाओ जिसने भी ये ब्रिक्स बनाई है, और उसको बुलाया गया, समन मतलब बुलाना। तो अब जैसे ही मेसन वहाँ पे आया वो डर गए, ऑब्वियसली उन्हें भी लगा कि अब तो हमें पनिशमेंट मिलने वाली है, तो क्विवरिंग मतलब वो डर गए, सहम गए। नेक्स्ट, इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समन। अब यहाँ से उन्होंने बोला जिन्होंने ये ब्रिक्स बनाई थी कि एक्चुअली हमें तो वही करना था जो आर्किटेक्ट ने कहा, जिस हिसाब से आर्किटेक्ट ने साइज वगैरह दिया था हमने तो उसी अकॉर्डिंगली बताया, उसी अकॉर्डिंगली बनाया। तो अब उन्होंने कहा ठीक है तो फिर आर्किटेक्ट को बुलाओ। तो देखो यहाँ से किस तरीके से जो क्रोनोलॉजी है कि पहले चीफ ऑफ बिल्डर थे, चीफ ऑफ बिल्डर से वर्कमैन पे फॉल्ट आया, वर्कमैन से मेसन पे आया, मेसन से आर्किटेक्ट पे आया, तो इस तरीके से ये जो ब्लेम गेम था वो शुरू हो चुका था। एंड किंग जो अपने आप को बहुत जस्ट बहुत प्लेसेड मान रहे थे वो एक तरीके के फुलिश इंसान थे, बिकॉज उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये तो सिर्फ एक दूसरे पे ही जो ब्लेम है वो डाले जा रहे हैं, एंड वो इसीलिए उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जस्ट एंड प्लेसेड मानता हूँ, तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये सिर्फ उसी इंसान को पनिश करेगा जिसकी सबसे ज़्यादा गलती होगी। तो इस तरीके से ये फ़ायदा उठा रहे थे किंग का। तो अब आर्किटेक्ट क्या कहता है, वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। तो वो कहते हैं कि मैं अब तुम्हें डेफिनेटली यही पनिशमेंट दूंगा आर्किटेक्ट कि तुम्हें हैंग कर दिया जाए। तो अब क्या कहते हैं इस पे, ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। तो आर्किटेक्ट कहता है कि किंग आप एक छोटी सी चीज़ जो है वो भूल रहे हो। अब वो क्या चीज़ है, यू मेड सर्टन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। अब यहाँ पे आर्किटेक्ट ने कहा कि किंग आप भूल गए कि जब मैं आपको प्लान्स दिखा रहा था कि ये ऐसे बनेगा, ये वैसे कंस्ट्रक्ट होगा, तो उसमें आपने ही कहा था थोड़ी सी अमेंडमेंट्स लाने को। अब वो अमेंडमेंट्स लाने के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी थी वो मैंने करी, तो इनडायरेक्टली उसका कहने का मतलब ये था कि मेरी गलती थोड़ी ना है, आपने ही कहा था तो इसीलिए ऐसा हुआ। तो अब ये जो पूरी की पूरी साइकिल थी किंग से स्टार्ट हुई और किंग पे ही जाके एंड हो गई, मतलब कि यहाँ पे जो किंग थे जिनकी फाइनल गलती जो थी सबने निकाली। अब किंग तो डेफिनेटली डर गए इस बात से कि अरे मैं तो जस्ट हूँ, मैं प्लेसेड हूँ, इसका मतलब क्या मैं ही हैंग हो जाऊँगा, क्या मुझे ही हैंग कर दिया जाएगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, बट बींग अ जस्ट एंड प्लेसेड किंग ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग। तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, तो इसमें मैं करूँ तो क्या करूँ, सो आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा वाइज हो, एंड वाइज मैन इन्होंने कैसे ढूंढा, तो यहाँ पे कहते हैं द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट। तो उसको बुलाया गया, उसको ढूंढा गया, एंड ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी सो ओल्ड वॉज ही। तो अब वाइजेस्ट मैन उन्होंने सोचा कौन हो सकता है जो इंसान बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, अकॉर्डिंग टू देम वाइज मैन वही है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड होगा बिकॉज उसके पास सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो ऐसा ये लोग सोचते थे, तो इसीलिए एक ओल्ड मैन को लेकर आ गए। अब ये ऐसा वाइज मैन था कि ना तो ये
चल सकता था और ना ही इसको दिखता था कुछ भी, तो एक इस तरीके का जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवा पाता। हुआ क्या? बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। अब क्वेवरिंग वॉइस में यानी कि बहुत ही ट्रेम्बलिंग सी वॉइस में वो बोलता है कि हाँ जो कल्प्रिट है उसको तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तो अब truly the ark it was that banged the crown off and it must be hanged। तो कह रहे हैं कि हाँ ये जो आर्क है यही इस तरीके से बनी है एंड क्योंकि एक क्राउन इससे टकराया है तो ये जो है नीचे जाके गिर जाता है। तो अब यहाँ पे वो भी इसी चीज़ को सजेस्ट कर रहा है कि गलती तो है ही एंड जिसने भी गलती करी है उसको जो पनिशमेंट है वो मिलनी ही चाहिए। सो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। अब फाइनली किंग कोई जस्ट डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते ये जानने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए एक्स्ट्रा क्लास ऐप, जहाँ पे आपको इस पोएम की फुल समरी मिल जाएगी। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड एक्स्ट्रा क्लास ऐप फॉर फुल वीडियो।